नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम व्लॉगिंग टुडे. तो इसके पहले आप ऑलरेडी दो वीडियोस देख चुके होंगे जो कि हाउस हंटिंग वाला वीडियो है, हाउस हंटिंग इन मुंबई. तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना उसमें अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करूंगी कि क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने अपने पूरे लाइफ में घर ढूंढा है. मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि जब छोटी थी तो हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट क्वार्टर में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है. हम लोग सिक्स सेवन्थ क्लास से मैं इधर जिस घर में अभी हम रह रहे हैं उसमें रह रहे हैं. और मैं मुंबई आ गई थी तब मेरे घर वालों ने उनके अकॉर्डिंग हाउस हंट करके उनके हिसाब से घर परचेस किया था. सो यू नो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था. और जब मैं मुंबई आई हूँ तो वो विक्की ऑलरेडी घर ढूंढ चुका था. ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि जब मैंने लिटरली हाउस हंट किया है. तो इसकी स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस पूरा विक्की ने मुझे बता दिया था कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और मेरे रिक्वायरमेंट ज़्यादा थे ऑब्वियसली. तो आई वॉज सर्चिंग अकॉर्डिंग टू मी. मतलब कुछ तो मैंने ऐप के थ्रू ढूंढे थे, एजेंट ढूंढा था और एक मुझे मेरी सब्सक्राइबर टर्न फ्रेंड, उसने मेरी हेल्प करी थी. सो उनके थ्रू हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है. तो कौन सा घर हमने फाइनल किया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा. एम्प्टी हाउस टूर डिटेल्ड वाला मैं आपको शेयर करूंगी शिफ्ट होने से पहले. एंड अभी हम फाइनल प्रोसेस पे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है प्रोसेस. वी आर टूवर्ड्स द फाइनल प्रोसेस नाउ. सो यस, एंड आज मैं करने वाली हूँ, शूट करने वाली हूँ अभी मेरा घर. क्योंकि हमको पता ही था कि हमको शिफ्ट करना है. जब हम मुंबई आ रहे थे तो हमको पता था कि हमको शिफ्ट करना ही करना है. तो यू नो मैं बहुत अपने घर को बहुत सॉर्टेड नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये इतना गंदा हो चुका है ना कि इसमें कम से कम लगता बहुत टाइम लगता है. पर जब आपको पता होता है कि हाँ मुझे अभी यहाँ पे लंबा रहना है तो मैं इतना क्लीन भी करती. जब मुझे पता है कि 10-15 डेज में मुझे यहाँ से जाना है ना तो मेरा इसको बहुत क्लीन करने का मन भी नहीं कर रहा है. तो जो जैसा है वो वैसे ही पड़ा हुआ है. मैं एग्जर्ट नहीं हो रही हूँ अपने आप को. लेकिन हाँ, आज या कल मैं कार्टन जो होते हैं वो लेकर के आ जाऊँगी. जो कार्ड बॉक्सेस होते हैं मुझे वो पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ मिलते हैं, बिकॉज मैं सारा सामान उन लोगों के उस अकॉर्डिंग नहीं छोड़ सकती हूँ. ये जो पूरी कबर्ड है जिसमें मेरे पूरे गारमेंट्स है वो सब मैं अपने अकॉर्डिंग जमाऊंगी और उसमें यू नो अपने हिसाब से स्लिप्स लगाती जाऊंगी. सो आई शेयर दैट जर्नी विद यू ऑल. आई एम सुपर एक्साइटेड. आई एम श्योर कि आप लोगों को भी देखने में बहुत मजा आने वाला है. और यस, अभी मैं शूट करने जा रही हूँ. तो मैं शूट, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस, इतने मैसेजेस आए हैं कि हम आपका जो मुंबई का लिविंग स्टाइल है, जिस तरह से मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वो बहुत मिस कर रहे थे सब लोग. कितनी लोग मेरे को बोलती थी कि जो मैं ऐसे यहाँ पर खड़ी होकर के रेडी होती हूँ वो मिस कर रहे हैं आप लोग. सो यस, आज हम बिल्कुल प्रॉपर मुंबई स्टाइल में जैसे मैं व्लॉग करती थी वैसे ही व्लॉग करूंगी. सो या लेट्स गो. अभी जब मैं भोपाल से यहाँ आई थी ना तो मैंने काफी कुछ यहाँ से चीजें हटाई हैं और भी अभी मैं जाऊंगी जब तो भी बहुत सारी चीजें हटाऊंगी और डिक्लटर करूंगी. बिकॉज कपड़े तो मेरे पास इतने हो गए हैं कि मैं इवन जो मैंने लास्ट ईयर पहना हुआ है ना और इस साल मैंने पहना ही नहीं, उन सबको भी मैं सोच रही हूँ डोनेट करने के लिए. क्योंकि इतने कपड़े रखने का कोई सेंस नहीं बनता, उल्टा दिमाग का दही हो जाता है. तो जितने कम कपड़े हो, सिलेक्टेड कपड़े उतना ज्यादा बेटर है. इस बार मैंने हॉल्स काफी सारे किए थे, लाइक मिंत्रा हॉल, जियो हॉल, कोलैबोरेशन थे सब. मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदा था, मुझे ऑब्वियसली पे किया गया था उस शॉपिंग के लिए भी. तो इतने सारे हॉल्स करे मैंने कि मेरे पास जो थे वो तो थे ही और ऐड हो गए हैं. तो वैसा हुआ है. तो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड मॉइस्चराइजर ऑन माय फेस. तो इतना ज़्यादा ग्लोइंग मेकअप अपने मैंने अपनी तक के पूरे लाइफ में, मेकअप जर्नी में, जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम एवर किया है. बिकॉज आई हेट डूइंग ग्लोइंग मेकअप्स. रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आई एम ऑलरेडी एन ऑयली स्किन पर्सन. देन 1 and 2 hours के बाद मेरे फेस पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाता है. बट जब से मैं भोपाल गई हूँ तो मेरा शेड भी डाउन हुआ है एंड साथ ही साथ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी वेदर बहुत चेंज हुआ है या जो भी है, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है. सो अभी यहाँ पर भी मैं जब आई हूँ ना तो बहुत ऑयली नहीं हो रही है मेरी स्किन. आई हैव डिसाइडेड टू वेयर दिस टॉप, मस्टर्ड येलो कलर का. बहुत चटक कलर लग रहा है ये स्क्रीन पे. तो आई हैव डिसाइडेड टू वेयर दिस टॉप बिकॉज ये वाला ना बहुत ज़्यादा येलो लग रहा है. उन्होंने मुझे थोड़ा लाइट कलर पहनने को बोला था, बट फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ. सो फाइनली गोइंग विद दिस टॉप, मस्टर्ड वाला जो कलर है, मस्टर्ड एंड ग्रीनिश थोड़ा सा मिक्स है. एंड लिपस्टिक पे अभी तक मैंने कुछ लगाया तो नहीं है वैसे, बट ये ही कलर काफ़ी बेटर लग रहा है. सो यस लेट्स गो. एंड
यहाँ पर मैं बैठने वाली हूँ अपना सेटअप करने के लिए, और ये असलियत बैकग्राउंड की, और यहाँ ये मेरा बैकग्राउंड रहेगा इतना। ओके, डन विद द शूटिंग। आज पहली बार मैंने ऐसे सिटिंग सिट आउट वीडियो करने के लिए अपना ये वाला जो कैमरा है नया वाला फाइनली उसका श्री गणेश कर दिया है। तो अभी तो मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करना चालू करूँगी ताकि मुझे सेटिंग समझ में आए, बिकॉज अभी मैं लिटरली बहुत कन्फ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन से, जैसे अभी इसकी जो सेटिंग्स है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग ऑफ G7X मार्क टू की, जो मेरे को एकदम 2-3 महीने बाद आई थी, तो वो भी प्रैक्टिस कर करके समझ में आएगा कि हाँ कौन सी सेटिंग में मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो इस वाली सेटिंग में मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, बट अभी उसकी जो सेटिंग है ना उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है, और उसमें मैं थोड़ी मोटी भी लग रही हूँ फेस से, और ज़्यादा बबलू लग रही हूँ। सो मैं प्रोडक्ट शॉट्स लेती हूँ, सो लेट्स सी प्रोडक्ट शॉट्स कैसे आते हैं। तो यस, कपड़े सुखाने की जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पर फैले हुए हैं, ये कपड़े सूख रहे हैं। ओके, सो आई एम डन विथ माई शूट। मैंने अपना फेस वेस सब वॉश कर लिया है। जैसे ही शूट खत्म होता है मैं सबसे पहले अपना मेकअप जो है वो धोती हूँ, क्योंकि इतना सारा मेकअप लगा के रखना अच्छा नहीं लगता है मेरे को। एंड आई एम इन माई कम्फर्टेबल ड्रेस, और ये जो कपड़े हैं, ये जो पटारा पड़ा हुआ है, ये सब यहीं पे पड़ा हुआ है बिकॉज अभी ये ड्राई नहीं हुए हैं, और फ़ैन हम चला नहीं रहे हैं बिकॉज बिना फ़ैन के बैठ पा रहे हो आप, इतनी ठंडा है मुंबई में। हाँ, लेकिन रात में हम लोग थोड़ा फ़ैन चला के सोते हैं सो दैट ब्लैंकेट ओढ़ने का थोड़े मज़े ले पाएँ, अदरवाइज़ गर्मी लगने लगती है। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं सोच रहा था अगर मैं मुंबई आऊँगी तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगी, तो अभी तक तो मैं बाहर नहीं गई थी, हम सिर्फ घर देखने ही गए थे, बट अभी मैं अपने कुछ पर्सनल काम है 2-3 वो काम कंप्लीट करूँगी, तो आते आते अगर मुझे कार्ड बॉक्सेस मिल जाएंगे तो मैं वो भी लेकर के आती हूँ। सो यस, क्योंकि फिर इस तरफ मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, इससे हम 3 किलोमीटर्स अंदर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर बार बार आना नहीं हो पाएगा, तो मैं एक साथ ही अपने काम जो है वो कंप्लीट करके आ जाऊँगी। फिर जो मार्केट एरिया रहेगा वो वहीं के आसपास वाला बन जाएगा, अभी मुझे यहाँ के बारे में सब नॉलेज है। सो यस, ऑटो से जाऊँगी ऑब्वियसली, और कि विक्की की कार लेके जाती हूँ, ले जाओ है एक पीस में ले आना। हे गाइस, तो मैं आ गई थी अपना काम वाम करके, और मैं जस्ट बैठी हुई थी और चिल मार रही थी। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ माय होम, मतलब मैं लिटरली ये स्लैब क्लीन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पड़ा है वैसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ देखो देखो, आपको एकदम मैसी रूम टूर देकर, मैसी होम टूर देकर के जाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। वहाँ तो वो पड़ा है, वो तो पड़ा ही हुआ है। मैं हाँ एक चीज़ ये कर रही हूँ कि भाई, ये 2 साल पहले मैंने कैंडल खरीदा था, अब जा करके मैंने अभी जलाई है इतनी, पिछले जब से मैं आई हूँ 4-5 दिन से मैं उसको डेली जला रही हूँ, और इतनी अच्छी खुशबू आती है उसमें से, लेमन ग्रास की है वो, मिनीसो से परचेस करी थी। एंड अभी बनाने वाली हूँ मैं शाम का खाना, तो शाम के खाने में एक्चुअली दाल रखी हुई है, सिर्फ मुझे बनानी है रोटियाँ फटाफट। ऐसे आटा मैं गूंद के रख लेती हूँ सुबह ही, तो ये इसमें हो जाता है, इसमें आटा मैं पूरा रेडी करके रख लेती हूँ फ्रिज में, रख देती हूँ इसको। अभी मैं 5 रोटी तो बनती है हार्डली, 5 से 6 रोटी बनती है हम 2 लोगों की, तो वो मैं फटाफट बना लेती हूँ अभी, क्योंकि मैं आई हूँ घर से, तो अभी तो कर रहे हैं क्योंकि कुक वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगवाया है। तो लेट्स सी, वहाँ जाते हैं देखते हैं, अगर मैनेज होता है ऐसे तो ठीक है, अगर नहीं मैनेज होता है तो फिर आई डेफिनेटली गोइंग टू यू नो कीप कुक, और जो भी है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि बिना कुक के भी काम तो करा ही है, तो वैसा है। क्योंकि अभी तो मेरी ना वीडियो फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो गई, वीडियो डालने की फ्रीक्वेंसी मेरी दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम, मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डाल रही हूँ। सो कोशिश करूँगी कि जनवरी में मैं काफ़ी सारे वीडियोस डालूँ, बिकॉज बर्थडे मंथ भी है। तो यस, अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग से।
बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड उसके रीजंस हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी था अभी, थोड़ा बहुत एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था मैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन ये देखिए, ये आपकी रुचि स्टाइल कॉर्नर क्या कर रही है अभी बताइए, क्या क्यों कर रहे हैं ये? तो एक्चुअली ना आज मेरा हेडेक हो रहा था, दिन में मैं सो गई थी तो सो के उठी तो मेरा हेडेक ही हो रहा था। और तो मैंने ये भी इसलिए भी मैंने ये लगाया कि शायद मेरे को आई स्ट्रेन हो रहा है, इसलिए हेडेक हो रहा है। क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा है तो मैं नेल पेंट लगाने के लिए बैठ गई। भी आपको ऐसा अनवेल सा फील हो तैयार होकर के बैठ जाओ, जब भी अनवेल सा फील हो नेल पॉलिश लगाने बैठ जाओ, है ना, पेंट लगा लो या लिपस्टिक लगा के। सही बात है, और सामने वाले का सर दुखा दो है। Things I got from my home, like teen dabbas jo aap dekh rahe hain, mirchi, haldi and dhaniya powder. I kept it here only as I know that I'm shifting soon, to main itna zyada kaam nahi kar rahi hu, ghar mera aise hi phaila hua hai. To cooking ho chuki hai aur ab main baithne wali hu thodi der editing karne ke liye, fir hum log dinner karenge. Yahan Vicky baitha hua hai, din bhar kaam mein, din bhar kaam mein.